पर लगाया गया त्रिकुंड हमारे शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। हे रावत, तुम भगवान की स्तुति करो। ये सब मुझे पशु कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, इनके लिए मैं क्या करूं? अभी आपको कहा कि परम पूज्य मुरारी बापू जी अपने शब्द में कहते हैं कि जितनी निंदा, जितना अपशब्द सुनने को मिले, समझ लेना कि आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। रावत के पास में सारी सिद्धियां थी, रावत के पास में सारा बल था, सारी सिद्धियां थी, निकल कर जा रहा था। क्रोध आ गया इंद्र को, क्रोध, इंद्र ने श्राप दे दिया रावत हाथी को। रावत, तेरे पास में जितना वैभव है, तेरे पास में जितनी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धियां और वैभव तेरा समाप्त तो हो जाए, तू मृत्यु लोक में चला जाए। मृत्यु लोक, रावत मृत्यु लोक में आया, सारी सिद्धियों के भी ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो जरा, मेरे देव अधिदेव महा देव। अब उसमें क्या सोचना? कई लोग हमसे कहते हैं गुरु जी के पहले सतयुग कितना अच्छा था, त्रेता युग कितना अच्छा था, द्वापर युग साउंड सेट करो, द्वापर युग कितना अच्छा था, और अब ये कलयुग, हम कहते हैं इसके बराबर कोई युग है क्या? इसके बराबर कोई युग है? पहले यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, दान पुण्य करना पड़ता था कलयुग में, तो कलयुग केवल नाम, केवल नाम जपिए। और कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में होगी, कितनी विद्वत्ता मेरे तुलसी बाबा में है कि मेरे दादा तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा, क्योंकि उस पे भी विवाद खड़ा हो जाता है। आज के लोग जरा जरा सी बात में विवाद खड़ा कर देते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, कोई संतुष्टि है, कोई नहीं संतुष्ट है, होते कई लोगों को, कई ऐसे भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिलती। तुलसी बाबा ने अपनी सुंदर रामचरितमानस के अंतर्गत लिख दिया कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। राम नहीं लिखा, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग आएगा, सारे अलग अलग पंथ में बढ़ जाएंगे, कोई शंकर को भजेगा, कोई राम को भजेगा, कोई कृष्ण को भजेगा, कोई दुर्गा को भजेगा, कोई दत्त को भजेगा, कोई किसी को भजेगा, कोई किसी को भजेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, मेरे तुलसी बाबा लिख देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर भजो तो उसी से पार उतर जाओ। तुम्हारा मन पड़े उसकी भक्ति करो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। तुलसी बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल कर जाए वो भजना प्रारंभ कर दो, नाम जप करो, नाम जप। कितना सुंदर एक चरित्र आता है कि तुलसी बाबा जी की कुटिया में तीन चार चोर घुस गए। अब एक तो संत की कुटिया में चोर घुस जाए, तो ईमानदारी से बोलना चोर चोर रह पाएगा? आधा घंटा भी अगर किसी सच्चे संत का, सदगुरु का सानिध्य किसी दुनिया के अच्छे अच्छे चोटे को भी मिल जाए ना, तो वो संत अपने रंग में रंगी देकर संत ही बना देता है। सच्चा संत, सच्चा साधु,
सच्चा तपस्वी साधक उपासक अपने रंग में रंग देता। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि हमारे वो जहाँ ठहरे वहां जीजी बोली कि हम फोटो खींचते हैं, कोई कैमरे से खींचे, कोई मोबाइल से खींचे, तुम क्या खींचते? हमने कहा शिव पुराण से तुम्हें खींच लेते हैं। खींच तो रहे ना, शिव तत्व को पूजा। चार चोर चोरी करने के लिए गए बाबा के। अब चोरी का धन उनके पास में बहुत सारा था, उनको चोरी तो करना नहीं थी। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, अब करे तो करे। उन्होंने कहा, तुलसी बाबा के पास में पहुंचे और उनसे कहा, तुम नदी के तट पर रहते हो, तुम्हें तैरना आता होगा। तुलसी बाबा बोले, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें तैरना नहीं आता? नहीं मुझे तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम नदी के तट पर रहते हो। बाबा बोले, तैरना तो आता है, पर बात इतनी सी है कि सरयू मैया उफान पर पड़ी हुई है, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ तैरूंगा, तुम बताओ ईमानदारी से। नहीं तुम्हें तैरना आता है, हमारे पास चोरी का सामान है, हम चोटते हैं, ये सामान लेकर जाना है हमको उस पार, चलो छोड़ के आओ। तुलसी बाबा के, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, मुझे बुढ़ापे में कहाँ ठंडे पानी में डाल, कहाँ ठंडे पानी। तुलसी बाबा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूं, मैं एक पत्र लिखकर तुमको दे देता हूं, सबसे आगे जो रहेगा ना वो पत्र को हाथ में पकड़ लेना और तुम पार उतर जाओगे, सब एक दूसरे को पकड़ लेना, ठीक है, लिख दो पत्र। चोर के हाथ में पत्र दे दिया बाबा ने लिखकर, पत्र आगे वाले ने पकड़ा, सबने एक दूसरे को पकड़ा, चोरी का सामान पीछे, और सब सरयू जी से पार उतर गए। दूसरा चोर बोला, रे आखिर ये बुढ़े बाबा ने पत्र में ऐसा लिखा क्या था कि ना हाथ हिलाया ना पांव हिलाया और अपन सरयू जी के पार उतर गए, जरा पढ़ तो जरा। जो पत्र खोला तो पत्र में लिखा था राम। क्या लिखा था? पत्र में लिखा था राम। चोरों ने विचार करा, बूढ़े ने अपन को बेवकूफ बना दिया। वापिस उनने पत्र पकड़ा, सबने हाथ पकड़े, वापिस तुलसी बाबा के पास पहुंच गए। ओ बाबा, ऐसा राम तो हम भी लिख लेते और हम भी पार हो जाते, इसमें कौन सा बड़ा बात है? तुलसी बाबा कहे, भैया तुम वापिस लौट कर आए हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि दुनिया का हर व्यक्ति दिल पे राम लिख ले और भाव सागर से पार उतर जाए। दिल से अपने हृदय में, अपने चित्त वृत्ति में राम को रखो, पार उतर जाओगे। इसलिए बाबा कहे कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर रे उतरे पार। भजन परमात्मा की भक्ति इतनी करो कि पार उतर जाओ। हे रावत, हे रावत को लगा श्राप दे दिया स्वयं इंद्र ने, तुम अपनी सत्ता से, अपने राजसी ठाट से, अपनी सिद्धियों से भीन हो जाओ। एरावत भूमि पर आ गए, करूं क्या मैं, कहां जाऊं? एरावत रोता हुआ सबसे पहले कहां जाए तो सीधे कैलाश पर पहुंच गया। शंकर भगवान मौन होकर बैठे थे, एरावत किससे बात करे, नंदी से मिल गया। नंदी, नंदी ने पूछा, तुम कौन? मैं हाथी, गज, एरावत हाथी, इंद्र का हाथी, इंद्र का हाथी एरावत। अच्छा, कैसे आना हुआ? मुझे श्राप लगा है, मैं यहाँ नीचे आ गया हूँ, पृथ्वी मेरी राज सत्ता सब विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई, ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई? मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे जाओ? शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर सदानंद कार्तिकेय के साथ हैं, कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं, पर भगवान नंदी जी कहते हैं भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान
नेत्र बंद कर कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख हरने के लिए बैठे रहते हैं। मेरा बताया काशी में भ्रमण करा, सात कोस के गोवर्धन बाबा, उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस माँ गंगा के तट पर बैठे हैं उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी। मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी परिक्रमा करा ऐरावत, भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया। दौड़ता हुआ गया, नंदी से पूछा मैं कहाँ जाऊं। नंदी ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया, ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए। ऐरावत कहता है मैं हार चुका हूं, हार मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तू क्यों चिंता करता है ऐरावत, जा वापिस, सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ऐरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। ऐरावत हाथी की पूजन होने लगी, हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं ऐरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा, और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहे, इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में सात सीढ़ियां हैं महाराज जी, सातों सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बसते हैं वैसे सीढ़ियों में स्वर बसते हैं। आज भी कोई भी चले जाए आ जाए आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के सात स्वर अलग अलग निकलेंगे। ऐरावतेश्वर शिव शंकर भगवान कहते हैं हारो नहीं, हारना नहीं, एक पत्र है पलटने की सामर्थ्यता तो केवल एक में है और वो देव अधिदेव महा। मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा। अपने बेटे से मां कह रही है पारो की मेरा भोले बाबा तेरे को हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को अंगूठी नहीं देगा, मेरा भोले बाबा तेरे को रतन माणिक नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरे भाग्य को पलट देगा। भाग्य को पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो वो शिव में। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। भगवान भोले बाबा में वो सामर्थ्यता है कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू भाग्य को पलट देता है। भाग्य को माँ पार्वती जी को ले